दो टुकड़े 1947 में किया गया था, वो भी गांधी बाबा का सेकुलर चश्मा पहन के। जी कौन सा बुक क्या संदेश देता है? बिना मतलब का ज्ञान पेला गया है कि गीता और कुरान दोनों एक जैसा है, वो बिल्कुल भी लॉजिक पे खड़ा नहीं उतरता है। अब दोनों ही बुक्स पढ़ लो, आपको दूध का दूध और पानी का पानी एकदम साफ साफ हो जाएगा। जी कौन सा बुक क्या संदेश देता है? नमस्ते, कैसे हैं आप सब? चलिए करते हैं दिल की बात एकदम साफ। आज हम मूवी रिव्यू करेंगे गदर 2। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे देश के दो टुकड़े 1947 में किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि एक विशेष समुदाय के लोग हमारे साथ नहीं रह सकते, इसलिए उसको अपना एक अलग देश चाहिए। उसको अपना एक अलग देश मिल गया, लेकिन फिर भी वो गया नहीं, वो भी यहीं पड़ा है, अभी हमारे सीने पे मुंह दरर रहा है। अब फिर से हमारे देश के टुकड़े करने के मनसा पाले हुए अपने। अरे यार, मैं मूवी रिव्यू कर रहा था, कहाँ चला गया? जब बंटवारा हुआ था हमारे देश का, तो पाकिस्तान में मजहबी लोगों द्वारा गैर मजहबी लोगों का कत्लेआम शुरू कर दिया और वहाँ से ट्रेनों में भर भर के लाशें भेजने लगा। तो यहाँ से भी जवाब दिया गया, वो भी करारा जवाब दिया गया जो हमेशा से दिया जाता है और आगे भी दिया जाता रहेगा। आखिरी बार हमेशा हम ही करते हैं। यूं ही नहीं, हजारों साल से इतने सारे आक्रमण, इतने सारे अत्याचार, इतने सारे पड्यंत्रों के बावजूद आज हम सर्वाइवल कर रहे हैं। 125 करोड़ की जनसंख्या में आज भी हैं। उसी जवाब देने के बीच के प्रोसेस में तारा सिंह को सकीना मिलती है और उससे परिस्थिति वश वो शादी कर लेता है। फिर सकीना अपने माँ बाप से मिलने पाकिस्तान जाता है और वहाँ जाके वो फंस जाता है। फिर तारा सिंह उसको बचाने के लिए पाकिस्तान जाता है। वहाँ जाके जो तारा सिंह कांड किया था, वो तो एक इतिहास ही था। हम गदर 1 में देखते हैं कि अंत में अशरफ अली बदल जाता है अपने बेटी के प्यार में। बस उसी के बाद की कहानी गदर 2 में दिखाया गया है। जो अशरफ अली बदल गया था अपने बेटी के प्यार में, अपने दामाद और अपने नाती को भेज दिया था वहाँ से हिंदुस्तान, तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी ने अशरफ अली को फांसी पर चढ़ा दिया है। फिर भी वहाँ के आर्मी को संतुष्टि नहीं मिल रहा है, वो तारा सिंह को भी मौत के घाट उतार देना चाहता है। पाकिस्तानी आर्मी ये मनसा पाले हुए है। इधर तारा सिंह हिंदुस्तान में हंसी खुशी रह रहा है अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ में। फिर से वो अपना ट्रक का बिजनेस चला रहा है, सेना को अपना ट्रक का सर्विस दे रहा है। इसी बीच पाकिस्तानी बॉर्डर पे झड़प शुरू हो जाता है इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी के बीच में। वहाँ पे असला पहुँचाने का काम करता है तारा सिंह। युद्ध के बीच में तारा सिंह असला लेके जाता है हमारे जवान को देने के लिए, वहीं पे दुर्घटनावश वो गायब हो जाता है। फिर पाकिस्तान से खबर आता है कि वहाँ की पाकिस्तानी आर्मी ने कुछ हिंदुस्तानी जवान को और कुछ ट्रक ड्राइवर को पकड़ा है। इधर हिंदुस्तान में सकीना और उसके बेटे को ये बात पता लगता है, तो इधर तारा सिंह का बेटा अपने पिता को बचाने के लिए पाकिस्तान चला जाता है और पाकिस्तान में जाके पिता को बचाने के चक्कर में वो फंस जाता है। अब बाप और बेटा दोनों पाकिस्तान में है फिर से दोबारा से। बस अब दोनों बाप बेटा वहाँ से कैसे बच के आता है हिंदुस्तान, यही कहानी इस गदर मूवी में दिखाया गया है। हर सीन बाय सीन एकदम सेकुलर चश्मे से इस मूवी को लिखा गया है, उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ा गया है, वो भी गांधी बाबा का सेकुलर चश्मा पहन के। एक्टिंग सभी के ठीक ठाक है, डायलॉग भी चल जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है कि हमें हमेशा के लिए याद रह जाए और एकदम दिल पे दस्तक दे जाए जैसा कि गदर ने किया था। उस चीज़ को गदर 2 नहीं दोहरा पाता है। डायरेक्शन ठीक ठाक है, गदर लेवल का बिल्कुल नहीं है, उससे 19 ही हम कह सकते हैं इस मूवी को। स्क्रीन प्ले कई जगह खटकता है, सॉन्ग्स भी हम सुन पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा नया फील नहीं देता है एक भी सॉन्ग। लेकिन सबसे ज़्यादा इरिटेट करता है अंत का सीन। बिना मतलब का ज्ञान पेला गया है कि गीता और कुरान दोनों एक जैसा है, वो बिल्कुल भी लॉजिक पे खड़ा नहीं उतरता। मैं गीता भी पढ़ा हूँ और कुरान भी पढ़ा हूँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि दोनों ही अलग अलग आइडियोलॉजी पे हैं, दोनों ही अपना अलग अलग संदेश देता है। जहाँ एक तरफ गीता प्राणी मात्र के कल्याण की कामना का संदेश देता है, वहीं पे दूसरी तरफ कुरान पूरे दुनिया के मनुष्य को इस्लाम में जोड़ने और उसके बाद कयामत का आदेश देता है। दोनों ही बिल्कुल अलग अलग आइडियोलॉजी पेश करता है हमारे सामने। वो दिन बहुत पीछे छूट गया जब ये कहा जाता था कि अल्लाह ईश्वर ते होना। ईश्वर हमें क्या संदेश देता है और अल्लाह हमें क्या संदेश देता है हमारे सामने है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है आदमी के लिए। दोनों ही बुक्स बहुत ही आसानी से उपलब्ध है,
आप खुद पढ़ के देख सकते हैं। हर भाषा में है दोनों ही बुक्स। अब दोनों ही बुक्स पढ़ लो, आपको दूध का दूध और पानी का पानी एकदम साफ साफ हो जाएगा कि कौन सा बुक क्या संदेश देता है। वो लोग बिल्कुल भी इस बात को नहीं मानता है कि दोनों बुक एक संदेश देता है, लेकिन हम लोग हैं कि बस जबरदस्ती कहे फिरते नहीं, दोनों बुक एक ही संदेश देता है, दोनों बुक एक ही संदेश देता है। बिल्कुल नहीं देता है भाई, दोनों बुक्स है, लिखा है, पढ़ा है, समझ लो। बिना मतलब का ज्ञान क्यों फैलना। यहाँ पे हम कह सकते हैं अंत बुरा तो सब बुरा। मुझे जैसा लगता है ये मूवी कुछ दिन तो बिजनेस करेगा लेकिन फिर से पिट जाएगा। जिस तरह से गदर ने हमारे दिलो दिमाग पे राज किया है, ये मूवी बिल्कुल भी नहीं करने वाला। कुछ दिन हमें याद रहेगा, उसके बाद हम बिल्कुल इसको भूल जाएंगे। पैसे तो कमा लेगा, हिट तो हो जाएगा मूवी, लेकिन जो हिट गदर हुआ था वैसा हिट तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। गदर आज भी हम देखते हैं, आगे भी हम देख पाएंगे। राष्ट्रवाद से ओतप्रोत मूवी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये जो सेकुलरिज्म है ना, ये सबसे बड़ा खतरा है हमारे राष्ट्रवाद को। राष्ट्रवाद के ऊपर ये सेकुलरिज्म घुन की तरह लगा हुआ है, जो धीरे 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 राष्ट्रवाद को ख़त्म करता है। राष्ट्र को निकलने के लिए तैयार रहता है सेकुलरिज्म, क्योंकि एक तरफा होता है ये। मेरे तरफ से इस मूवी को 5 में से 2.5 स्टार। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। लाइक कर दीजिए, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। नमस्ते।